द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने कमाई के मामले में इतिहास बना दिया। बॉलीवुड के तमाम रिकॉर्ड पठान फिल्म के आगे ध्वस्त होते चले गए। बीते 9 दिनों में ही इस फिल्म ने 700 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ऐसे में कई लोग हैं जिन्हें अब तक भरोसा नहीं हो पाया है कि शाहरुख खान ने इस फिल्म से कुल कितनी कमाई की है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे दो धरा हमेशा से ही बटा हुआ है। एक कहता है कि जितने भी कमाए हैं शाहरुख ने अपने घर से दे दिए, कहता है ऐसा ही बॉयकॉट गैंग वाला तबका कि यह फिल्म कितनी भी कमाई कर ले सब आंकड़े झूठ हैं, सब मैनिपुलेटेड हैं, यह फिल्म तो फ्लॉप हो गई है। सिनेमा घर हाउसफुल भले नजर आ जाए लेकिन ये लोग कहेंगे कि फिल्म फ्लॉप हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से आज वीकेंड पर शाहरुख खान ट्विटर ट्रेंड में शामिल हुए। उन्होंने हैशटैग आस्क एसआरके जो हमेशा करते हैं फिर से किया। ऐसे में सबको कहा कि आप सवाल पूछिए, थोड़ी देर तक एक्टिव। तो इसी में से एक ट्विटर यूजर ने उनसे पूछ दिया, पठान का रियल कलेक्शन कितना है, ये तो आपको पता होगा, जरा आप हमें बता दीजिए। इस पर शाहरुख खान ने मजेदार जवाब दिया जो कि दिल को छू गया। इस फिल्म से शाहरुख खान ने वो चीजें अर्जित की हैं जिसके लिए बड़े बड़े स्टार भी तरसते हैं। वैसे तो शाहरुख खान दिलों के बादशाह हैं, रोमांस के किंग कहे जाते हैं, और पठान फिल्म में जो उनका रोल देखने को मिला उसके बाद तो पूरी दुनिया शाहरुख शाहरुख ही कर रही है। अब शाहरुख का जवाब भी जानना जरूरी है कि पठान की कमाई को लेकर उनका दिल छू लेने वाला जो जवाब था कैसे फिर करोड़ों लोगों को टच कर गया है। सवाल भी बताते हैं, जवाब भी दिखाते हैं। पहले देखिए, राज श्रीवास्तव ने कमेंट किया, पठान का रियल कलेक्शन कितना है, हैशटैग आस्क एसआरके, और शाहरुख खान को टैग कर दिया। शाहरुख खान ऐसे ही ट्वीट का इंतजार करते हैं और लपक के जवाब दिया। जवाब कितना प्यारा है जरा वो देखिए। शाहरुख ने कहा, 5000 करोड़ प्यार, 3000 करोड़ एप्रिसिएशन, 3250 करोड़ हग्स, 2 बिलियन स्माइल्स, स्टिल काउंटिंग, तेरा अकाउंटेंट क्या बता रहा है। शाहरुख ने कहा कि मैंने 5000 करोड़ प्यार कलेक्ट किया है, मैंने 3000 करोड़ सराहना कलेक्ट की है, 3250 करोड़ जो है लोगों को गले लगाने का भी जो है रिवॉर्ड मैंने प्राप्त कर लिया, इतना कलेक्शन है मेरा, और 2 बिलियन स्माइल है, तो इतना मेरे पास तो आ ही गया है और काउंटिंग लगातार जारी है। तो ये खूबसूरत सा जवाब जैसे ही शाहरुख खान ने दिया, जो लोग शाहरुख की कमाई के बारे में पूछ रहे थे उनके मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त शाहरुख के लिए दर्शकों का प्यार है। दर्शक के मन में शाहरुख खान के लिए कितनी इज्जत है, क्योंकि जो नफरत फैलाने की कोशिश की गई, शाहरुख के खिलाफ माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, उन सबको शाहरुख खान ने अपने प्यार से जीत लिया। तमाम लोग सिनेमा घरों में लाइन लगाकर शाहरुख के प्रति अपनी दीवानगी दिखाने पहुंच गए थे। और कमाई का आंकड़ा जो मैंने कहा कि 700 करोड़ पार हुआ है, वो भी हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में कि 9 दिन के हिसाब से कितनी कितनी कमाई हुई और वर्ल्ड वाइड कैसे यह 700 करोड़ पहुंचा। लेकिन शाहरुख के इस जवाब ने बता दिया कि 700 करोड़ से ज्यादा तो 5000 करोड़ प्यार है, 3000 करोड़ जो इस तरीके से उन्होंने जो आंकड़े गिनाए अप्रिसिएशन के, हग्स के, स्माइल्स के, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उस सवाल करने वाले को कहा कि तेरा अकाउंटेंट क्या बता रहा है, कितनी कमाई की होगी तुम ही बता दो। खैर, यह तो शाहरुख खान का प्यार था और प्यार भरा जवाब था कि कैसे लोग जो शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए कमाई का एक एक हिसाब पूछ रहे हैं, जो कि सार्वजनिक तौर पर खुलकर सामने आ भी रहे हैं। बावजूद इसके शाहरुख खान ने अगर इस अंदाज में जवाब दिया है तो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वालों को जवाब दिया है कि भाई नफरती चिंटू, नफरती गैंग, जो माहौल बिगाड़ते हो ना, संभल जाओ। शाहरुख खान ने कितने प्यार से कहा कि मैंने 5000 करोड़ प्यार पा लिया, 3000 करोड़ एप्रिसिएशन पा लिए, 3250 करोड़ हग्स मिले हैं मुझे, और 2 बिलियन स्माइल्स हैं। तो इससे खूबसूरत बातें और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो पठान देखने वाले तो प्यार शाहरुख पर लुटा रहे हैं और शाहरुख अपने फैंस पर प्यार लुटा रहे हैं। कई ऐसे फैंस हैं जो शाहरुख खान के पोस्टर को, कटआउट को दूध से नहला रहे हैं, शाहरुख उससे भी इंप्रेस हुए। तो अब जरा कमाई की हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअल में शाहरुख खान ने कितनी कमाई की है, इस फिल्म ने कैसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे सबकी बोलती बंद हो गई है। जो लोग इस फिल्म के बारे में कह रहे थे कि सिनेमा घर में चलने नहीं देंगे,
फूंक डालेंगे सिनेमा घरों को, शाहरुख खान मिल गया तो जला डालेंगे, ऐसे लोग अभी घरों में डूब के पड़े हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने अपना प्यार इस तरीके से पूरे देश में फैलाया है कि वह प्यार राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में भी देखने को मिला, वह प्यार इंडियन क्रिकेट टीम ने भी देखा कि शाहरुख की पठान देखने के लिए हर कोई इकट्ठा हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति भवन का कल्चरल सेंटर हो या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के वो प्लेयर्स हो जिन्होंने पठान फिल्में देखी है। तो जलने वाले तो जलेंगे ही भाई, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, थिएटर हमेशा हाउसफुल, अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी है, भीड़ उतनी ही जा रही है, तो फिल्म सुपरहिट तो ऑलरेडी हो गई है, शाहरुख खान के लिए बहुत ही शानदार मोमेंट है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म के लिए मैं भी बेकरार था और हमारी टीम के लोग कह रहे थे कि शाहरुख भाई के लिए यह फिल्म बेहद इंपॉर्टेंट है। बॉलीवुड जहां बायकॉट ट्रेंड से गुजर रहा था, बीते 2-3 सालों से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, वैसे में शाहरुख खान ने कहा कि मेरा भी कॉन्फिडेंस लो हुआ था, मैं भी डरा था, ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा बोलता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई है, मैं भी कमजोर पड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने उम्मीदें दी है, अब मैं वापस आ गया हूं, डटकर काम करूंगा। खैर अब शाहरुख खान के कमाई की बात करते हैं, क्योंकि शाहरुख ने जवाब तो प्यार मोहब्बत से दे दिया, वाकई में आंकड़े क्या है जो 700 करोड़ तक पहुंच गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जरा अपने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देखिए, इसमें पूरी डिटेल में सब कुछ बताया गया है। मोहित कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया, पठान रोड्स, पठान की दहाड़, 364.15 नेट इन 9 डेज, ये इंडिया में टोटल जोड़ते हैं 696 करोड़ वर्ल्ड वाइड इन 9 डेज, पठान 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड, और फिर सबको टैग किया गया है। इन्होंने आंकड़ों का एक डेटा भी शेयर किया है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है पठान 9 डेज कलेक्शन इंडिया नेट, डे 1 57 करोड़, डे 2 70.5 करोड़, डे 3 39.75 करोड़, डे 4 53.25 करोड़, डे 5 60.75 करोड़, डे 6 26.5 करोड़, डे 7 23 करोड़, डे 8 18 करोड़ और डे 9 15.65 करोड़। टोटल को ऐड करने के बाद यह हो गया 364.15 करोड़। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, डे 1 106 करोड़, डे 2 113.6 करोड़, डे 3 93 करोड़, डे 4 116 करोड़, डे 5 113 करोड़, डे 6 48 करोड़, डे 7 43 करोड़, डे 8 33 करोड़, डे 9 26 करोड़, टोटल 696 करोड़। शाहरुख खान इन एंड एज पठान, शाहरुख खान ने पठान के रूप में जो दहाड़ लगाई है उससे यह साफ पता चलता है कि पठान ने सफलता के झंडे पूरी दुनिया में गाड़ दिए। अभी तो खबर यह भी आई कि शाहरुख खान का एक दीवाना ढाका से अगरतला पहुंच गया, मतलब एक विदेशी सरहद पार कर गया पठान फिल्म देखने के लिए, फुल फैमिली अगरतला पहुंचकर फिल्में देखने पहुंच गई है। अब इससे ज्यादा शाहरुख के प्रति दीवानगी दुनिया में और क्या हो सकती है कि लोग सरहद की सीमा भूल जाते हैं प्यार के आगे। शाहरुख खान के प्रति जो उनके दिल में इज्जत है, मोहब्बत है, उसे कोई नफरत भर कर तो मिटा नहीं सकता। इस वजह से लाख जहर फैलाए गए, नफरत बांटे गए, बावजूद इसके पठान फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़े, शाहरुख खान को एक बार फिर से पूरे बॉलीवुड ने और देश की जनता ने, दुनिया की जनता ने, दर्शक ने अपने सिर आंखों पर बिठाया है और उन्हें ही कहा है कि भैया आप रियल बादशाह हो, रियल सुपरस्टार हो। और इस तरीके से शाहरुख ने भी दिल छू लेने वाला जवाब देकर एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।